हाई एवरी वन वेलकम टू यू जी एंट्रेस एग्जामिनेशन बात है ई फोर सेवन सो लेट मी टेल यू अ वेरी क्लियर थिंग जब से सी ई टी पी जी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है तब से हमारे जो यू जी के बच्चे हैं वो काफ़ी ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने मेजर मेजर चेंजेस जो हैं वो वो अगर हमें सी ई टी पी जी में देखने के लिए मिले हैं तो वो हमें सी यू ई टी यू जी में भी मिल जाएंगे राइट सो so, आज के इस वीडियो सेशन में मैं इन्हीं सब चीज़ों का आपको क्लैरिफिकेशन देने वाली हूँ कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि जिस तरह से सी ई टी पी जी में ऑल ऑफ द स्टूडेंट ड्रास्टिक चेंज आ गया कि पूरा पार्ट ही हटा दिया गया राइट और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो रिड्यूस कर दिए गए नंबर ऑफ क्वेश्चन के अलावा टाइम भी रिड्यूस कर दिया गया है यूनिवर्सिटीज भी कम हो गई हैं राइट और साथ ही साथ में आपका जो जो सेंटर्स थे उनको भी रिड्यूस कर दिया गया है सो so, बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में है सो so, उस हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीजें क्लैरिफाई करूंगी कि कैसे दो 202 से दो में हमें काफी सारे चेंजेस देखने के लिए मिले और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि दो

चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं सो so, अभी पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीई डी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए गए थे उसमें आपको ये ऑप्शन था कि आप दो लैंग्वेजेस ले सकते हो छह डोमेन ले सकते हो और एक जनरल टेस्ट ले सकते हो या फिर आप तीन लैंग्वेजेस लो पांच डोमेन लो लो और एक जनरल टेस्ट लो राइट लेकिन अब जो है ना वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो नाइन थे उनको चेंज करके कितना कर दिया गया टेन कर दिया गया राइट right? और टेन करने के बाद उन्होंने आपके ऊपर कोई बार नहीं लगाया कि आपको लैंग्वेजेस इतनी लेनी है डोमेन इतने लेने हैं लेकिन उन्होंने ये बोला कि आप जनरल टेस्ट लेना चाहो तो आप ले सकते हो ठीक है ना इंक्लूडिंग दोस उसमें से एक जनरल टेस्ट आपका होगा सो so, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट दो हजार से दो हजार में बढ़ा कितने कर दिए गए थे नौ से दस ठीक है ना ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे दो लैंग्वेजेस तीन लैंग्वेज वाला ऑप्शन हटा दिया गया था वो आपके ऊपर मर्जी थी कि आप कितनी लैंग्वेज लेना चाहते हो कितने लेना चाहते हो लेकिन मैक्सिम नंबर ऑफ आपको कितने लेने थे सो यस आर पॉसिबिलिटीज आपका दो हजार चौबीस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ आपको आगे पीछे होता हुआ दिखने के लिए मिल सकता है हो सकता है आपको ये ज्यादा मिल जाए हो सकता है कि आपको ये रिड्यूस होते हुए भी मिल जाए या हो सकता है कि वो किसी चीज को कंपल्सरी कर दें या हो सकता है कि वो आपका एक कंपल्शन हटा दें कि आपको ये वाला पार्ट नहीं देना है जनरल टेस्ट वाला पार्ट नहीं देना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सो कुछ हो सकता है डज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग जो कि आपको एनटी की तरफ से देखने के लिए मिल सकती है फिर हम आएंगे नेक्स्ट पे सीयूटी 2022 के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्लॉट्स होते थे मतलब जैसे अगर आज आपका पेपर है तो कितने स्लॉट में पेपर होगा मॉर्निंग में होगा नून में होगा किस टाइम पे पेपर होगा राइट सो so, पहले आपका जो 2022 का टाइम था वहां पे स्लॉट आपका दो था पहला मॉर्निंग का था और एक इवनिंग का था बट क्योंकि ये पेपर बहुत लंबा खिंच रहा था इस वजह से स्लॉट को चेंज कर दिया गया और 2023 में ये स्लॉट दो से हटा करके तीन कर दिए गए सेम सीयूडी पीजी में भी देखने के लिए मिला कि पेपर बहुत लंबा ना खिंचे इस वजह से जो है इन्होंने टाइम को क्या कर दिया है और दे दिया बच्चों को मतलब एक दिन में तीन दिन पेपर करवा दिए सो so, ये जो स्लॉट्स है मुझे नहीं लगता कि स्लॉट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि और कोई टाइम इनके पास होगा नहीं मॉर्निंग का स्लॉट है आपका नून का स्लॉट है और इवनिंग का स्लॉट है अब रात में तो ऑब्वियसली वो पेपर करवाएंगे नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि स्लॉट्स में ज्यादा आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे आ, बट ये है कि स्लॉट चेंज देखने के लिए मिला जो कि अभी पीजी में भी हुआ और पिछले साल हमारे पास यूईटी यूजी में भी हुआ था राइट right? तीसरी आपकी जो चीज है वो है फीस फीस को लेकर के बच्चे लिटरली बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं आप देखिए यहाँ पर आपको आ, बोला गया था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप अप टू तो 4 लेते हो सब्जेक्ट्स तो यहाँ पे आपको छह सौ पचास रुपये फीस देनी है बट जैसे ही आप इधर आ जाओगे जनरल में आप अपना ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आ जाओ तो सात सौ पचास ये फीस कर दी गई फॉर थ्री सब्जेक्ट्स राइट तो ये सब्जेक्ट्स की जो फीस है उसमें एनहांसमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है डेफिनेटली फीस बढ़ेगी पीजी में भी अगर आप देखोगे तो पहले ना तीन सब्जेक्ट्स के आपको हजार रुपये लिए जाते थे जनरल कैटेगरी में और अब दो सब्जेक्ट के ही हजार रुपए uh, देखने के लिए मिल रहे हैं राइट सो so, मेरे हिसाब से एनडीए फीस में जब, जरूर से जरूर आपको बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई देगा और फीस आपकी डेफिनेटली बढ़ने वाली है सो so, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वैसे आप लोगों के पास एक लंबा टाइन रहता है एक पूरे महीने का टाइम रहता है फॉर्म फिलिंग के लिए जैसे कि अभी पी के लिए अगर आप देखोगे तो आपको 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक का टाइम मिला है तो टाइम लंबा होगा तो फीस अरेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी भी ज्यादा नहीं हो जाएगी कि आप दे ही ना पाओ लेकिन हाँ ये अच्छी खासी बड़ी हुई देख सकती है मतलब अगर कोई बच्चा अप टू 10 सब्जेक्ट्स ले रहा था तो 1750 2023 में थी और यहाँ पर अगर बच्चा अप टू फाइव सब्जेक्ट्स ले रहा था तो छे उसको फीस देखने के लिए मिल रही थी राइट सो छो पचास तो छह सौ पचास कितना हो गया आपका तेरह सौ रुपये सो ये आपका थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेटली बढ़ता हुआ दिखाई दिया था अब ये 1750 तक चला गया था सो तो वी आर कंसिडरिंग ये 2000 तक भी जा सकता है तो फीस चेंज आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा उसके बाद आता है आपके पेपर्स की टाइमिंग को लेकर के इशू तो पहले क्या था एक्चुअली में जब इन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर करवाया 2022 में तो 2022 में इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो कैलकुलेटिव पेपर है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही है उसमें तो फर्टी फाइव मिनट्स में हो ही नहीं पा रहा जबकि उन्होंने सारे डोमेंस फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव मिनट्स देकर रखे हुए थे तो फिर उन्होंने जो कैलकुलेटिव पेपर थे उसमें उन्होंने फोर्टी फाइव मिनट्स अटा

तो so, 2023 में इसका टाइम चेंज किया गया कैलकुलेटिव पेपर का टाइमिंग उठा करके 60 मिनट कर दिया गया राइट सो यस देर आर पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि आपको टाइमिंग्स में भी कुछ आगे पीछे फेरबदल देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज uh, हुआ था 2022 और 2023 में, वो इसमें हमें ये के लिए मिला था और पहले जनरल टेस्ट में आए थे, 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 right? तो थे और 60 क्वेश्चन में से आपको पचास क्वेश्चन करने थे तो पहले जनरल टेस्ट का पेपर कितना होता था तीन सौ नंबर का अभी दो uh, में कितना कर दिया गया ढाई नंबर का कर दिया गया सो येस देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजिंग इन मार्किंग स्कीम्स ऑल्सो

सो आई होप कि आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लरिफिकेशन मिल गया होगा कि आपको चेंजेस किस किस में देखने के लिए मिल सकते हैं फी चेंज तो डेफिनेटली होगा टाइमिंग्स में आपको देखने के लिए मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है स्लॉट्स में चेंजेस अब मुझे लगता है कि वो रेयर होंगे uh, मतलब हार्डली uh, मेरे को लगता है कि इसमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं लेकिन हाँ टाइम गैप और जो टाइम है उसको फिक्स कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है दे इतने इतने खत्म कर कि आप लोगों को इन सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा सो so, आप रेडी रहिए हर चीज के लिए हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि, कि किसी भी पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो सो ऑब्वियसली लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज तो सब में आएगा ही आएगा प्लस अगर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए जाना चाहते हो तो वो डोमेन की प्रेपरेशन भी ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी राइट सो so, थोड़ा सा पैटर्न ही चेंज करेंगे वो बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर उन्होंने चेंज किया तो फिर आप क्या कर लोगे राइट आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो उन्हें चेंजेस करने होंगे तो वो इनिशियल फेज में चेंजेस कर देंगे बहुत लेट नहीं करेंगे लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग कनेक्टेड रहो ज, जरूर से जरूर आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की वीडियोज को देखते रहो ताकि आप अपडेटेड रहो अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप अपडेटेड हो तो फिर आप लास्ट मोमेंट में भी अपने आपको तरीके से मैनेज कर सकते हो कि आप आ, सेम पेज पर चलो जिस पेज पर आपका एनडीए आपकी प्रेपरेशन करवा रहा है सो माय डियर स्टूडेंट आई होप आई हैव गिवन इनफ क्लेरिफिकेशन बाकी के साथ मैं यहाँ पर सेशन को एंड करूंगी मार्किंग स्कीम मुझे नहीं लगता पिछले साल भी चेंज नहीं हुई थी तो इस साल भी मेरे को बहुत लीस्ट चांसेस लग रहे हैं कि मार्किंग स्कीम आपकी चेंज होगी मार्किंग स्कीम सेम रहती है आपका पीजी का भी मार्किंग स्कीम सेम है वही प्लस फाइव इधर प्लस है माइनस वन उधर माइनस वन इधर ठीक है उधर, तो ये चेंजेस देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे मार्किंग स्कीम में कोई खास बाकी आप सभी लोग को बता दो बेटा कि की आप, आपका आज ये जो टाइम आप देख रहे हो लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को आप बाय बाय बोलने वाले हो एंड ऑफकोर्स 2024 को आप हाई हाई बोलोगे सो so, क्यों ना एक नई शुरुआत के साथ अच्छी शुरुआत के साथ एक बेस्ट प्रिपरेशन करी जाए सी ई टी पी सी ई टी यू जी की सी ई टी के लिए आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करो आपके लिए uh, बहुत सारे बैजेस अवेलेबल हैं और डेट टू ऑन अ वेरी ग्रेट ड्रॉप डाउन इन प्राइजेस आपको जो पैक हमारे यहाँ नौ हजार रुपये का मिलता था वो साढ़े uh, सात हजार रुपये में मिल जा रहा है बल्कि और कम में सोलह सौ साठ रुपए का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है जो वन टाइम बैच होता था सात हजार आठ सौ चौरासी रुपये का उसमें अट्ठारह सौ रुपये तक का ड्रॉप डाउन आपको ने के लिए मिल रहा है राइट सिर्फ लैंग्वेजी के जो बेचेस टू नाइन जीरो इतना भारी भरकम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है so, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो सीटी की प्रेपरेशन कर रहा है वो अड्डा से सूटी की करना चाहता है। ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो पिछले दो सालों से आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको उनकी जो मंजिल है उस तक पहुंचा रहा है उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी उनको पहुंचा रहा है सो so, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये सोच रहा है कि नहीं मेरे को मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचना है मेरे को मेरी जो प्रेपरेशन है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट करनी है सो so, आप अपने लिए एक डेस्टिन uh, बात चूज कर सकते हो आपके पास साइंस है कॉमर्स है ह्यूमैनिटीज है लैंग्वेजिटी है आपको जो भी चाहिए आप उसमें जा सकते हो राइट right, सपोज अगर आप आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो तो आपके पास महापैक अवेलेबल है सात कोड लगाओगे और सस्ता हो जाएगा जैसे ही आप ये कोड लगाओगे और अप्लाई करोगे देखो फोर नाइन सेवन नाइन रुपीज का आपको बैच मिल जाएगा सबसे शानदार चीज क्या है बैच के फीचर्स बहुत अच्छे बैच के फीचर्स बहुत अच्छे हैं आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती है ठीक है ना लाइव क्लासेस मिल जाती हैं फिर आपको मिल जाती है रिकॉर्डेड क्लास एक सेकंड रुकना इसको इधर कर देते हैं ताकि आप लोगों को बैच का प्राइस दिख जाए ठीक है तो यहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगी बेटा वो भी टू वे इंटरेक्टेड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो टीचर्स हैंड रिटन पी डी एफ नोट्स मिलेंगे ताकि आपको बुक के जो बुक no, बुक से प्रॉब्लम होती है पढ़ने में वो प्रॉब्लम ना देन आपको डी पी पी मिल जाएंगे ताकि आप कंसिस्टेंसी अपनी मेनटेन कर सको हर रोज जो आपने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको देन आपको यहाँ पर डाउट uh, सेशन मिल जाएंगे इफ़ यू आस्क फॉर टीचर्स ठीक है ना सो डाउट सेशन के अलावा आपको यहाँ पर रिविजन सेशन में मिलेंगे ऑब्वियसली रिविजन सेशन के अलावा आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे से आप अपनी स्पीड और इंप्रूव कर सकते हो प्लस आपको मिल जाती है चार डोमेन मिल जाते हैं प्लस एक जनरल टेस्ट मिल जाता है इतना सब कुछ मिल रहा है आपको ठीक है ना इन जस्ट गिविंग फोर नाइन सेवन नाइन रुपीज आज से ज्यादा इसमें ड्रॉप डाउन कभी नहीं आया है। इतने सस्ते भी आपको ये बैच मिल रहा है इवन आपके पास अगर आ, आपको लग रहा है कि आप यूट्यूब से जैसे जैसे करके पढ़ाई कर सकते हो तो आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मॉक्टे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो भी बहुत आ, लीस्ट कॉस्ट पर आपको मिल रहे हैं आप जा करके ले सकते हो सेम कोड आप यूज कर देना वाई आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा सो माई डियर स्टूडेंट विद दिसट मी एंड दिस सेगेन तब तक ले बाई टेक केयर गॉडलेस यू ऑल एंड बी रेडी फॉर द चेंजेस बिकॉज परिवर्तन ही संसार का नियम है दिस हैज बीन सेट वेरी वेल थैंक यू